नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में और आप देख रहे हैं इंदौर का सर्प मित्र बंटी भाव यूट्यूब चैनल। तो अभी हम आए हैं जीएससीसी कैंपस में रिद्धि सिद्धि मंदिर में। यहाँ पहले भी हम रेड स्नेक एक रेस्क्यू करके ले जा चुके हैं, आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं। तो पंडित जी ने हमें वापस बुलाया है, वापस एक सांप आ गया है यहाँ पर कैंपस में। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, फिर उसे रेस्क्यू करेंगे, फिर उसके बारे में आपको आगे की जानकारी। ये आप देख सकते हैं, नहीं कोबरा नहीं है, कोबरा की तरह दिखाई देने वाला है सांप, बैंडेड ड्रेसर सांप इसको बोलते हैं। बिल्कुल कोबरा की तरह दिखाई देता है ये सांप। तो चलिए इसे हम यहाँ पर, इसे जहरीला सांप नहीं है तो नहीं, और काफी अच्छे साइज में है ये सांप। यार गुस्से लाता है ये सांप, देख सकते हैं आप, बिल्कुल कोबरा की तरह दिखाई देता है पर कोबरा नहीं होता ये सांप। ये आप देख सकते हैं कोबरा का हम शक्ल, डुप्लीकेट कोबरा का हम शक्ल होता है ये सांप, बिल्कुल कोबरा की तरह दिखाई देता है। इसके स्केल्स जो होते हैं वो कोबरा की तरह होते हैं। बैंडेड ड्रेसर इस सांप को कहा जाता है, बैंडेड ड्रेसर हिंदी में, बहुत से लोग इसको नागिन भी कहते हैं। बैंडेड ड्रेसर गोल्डन सांप, जिसे गोल्डन सांप कहते हैं। आप देख सकते हैं फन नहीं होता है इस सांप का पर बिल्कुल कोबरा की तरह दिखाई देता है, कोबरा जैसी स्किन इसकी होती है। पहले तो मैं भी देख के कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला कोबरा ही है, पर फिर मैंने यार नहीं, उसका मुंह देखा, मैंने लगा ये बैंडेड ड्रेसर। तो ये जहरीला सांप नहीं होता, बहुत ही शांत है अभी ये सांप, वैसे गुस्से लाते हैं ये सांप, पर ये सांप शांत लग रहा है, जहरीला नहीं होता ये बैंडेड ड्रेसर। सूखे इलाकों में ज़्यादातर रहता है ये, पर अभी क्या है, कल बहुत जोरदार तेज बारिश हुई तो हो सकता है इसके बिल में पानी भरने से ये अपनी सूखी जगह ढूंढ रहा है। इसलिए इसका सांप का ऊंचाई पर जाने का ये मतलब है कि किसी सूखी जगह जाना चाहता था बारिश में गीला होने के कारण। तो चलिए इसे हम बैग में डाल लेते हैं। इतना धीरे धीरे कैसे चल रहा है यार? वो सुस्त होगा अभी, ठंड क्या ठंड हो जाए, मतलब ठंड में ये थोड़ा हो सकता है पानी में गीला गीला हुआ होगा, बीमार पड़ी है तो गीला हो जाते ना, तो सुस्त हो जाते जी। हाँ तो धीरे धीरे चल रहा है यहाँ से, ये तो इतने तेज भागते हैं साथ, तो आठ आते मेरे जाएगा तो खेती के अंदर नहीं जा, मना कर रहा है वो देखो देखो मना कर रहा है वो, जाना ही जाता मंदिर से। हाँ यार नहीं जाना मुझे, मैं तो कब से बोल रही हूँ आपको, मेरे को सिखा दो, ये लो अभी दे दूँ भाभी। और तो कहीं नहीं, सुबह सुबह अंधेरे में आते हैं फिर ये करते, इसलिए वो डर लगता है, और तो क्या। अभी अभी पकड़ रहे चलो ठीक है, अगली बार से अपन ध्यान रखेंगे, है ना, बता देना कि शांत है ये।